बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम ट्राउज़र डिज़ाइन बना रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम ट्राउज़र पे इधर सेंटर में कट लगाएंगे, इसलिए हम मेजरमेंट करेंगे। 6 इंच पे हम नाप करेंगे और फिर हम कट लगाएंगे। तो हम सबसे पहले कट लगाकर फिर इन दोनों हिस्सों को पिनटेक्स लगाएंगे, दो इधर साइड पे और दो इधर साइड पे। हम एक बूट की सिलाई करेंगे, पिनटेक्स बनाएंगे। अब हम दूसरा पिनटेक्स लगाएंगे एक बूट का। अब हमने एक साइड पे पिनटेक्स लगा दिए हैं 1 इंच के फासले पे। अब हम दूसरी साइड भी लगा देंगे 1 इंच के फासले पे। अब हमने दोनों साइडों से पिनटेक्स लगा दिए हैं। अब हम सेंटर में जो बॉर्डर आएगा उसकी डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 इंच पट्टी हमने काटी है चौड़ाई में, और लंबाई में हमने ज़्यादा लिया है। अब हम इनके बड़े टक्स बनाएंगे, 1-1 इंच का अंदर कपड़ा लेकर इसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और हम सिलाई करेंगे। एक बूट की सिलाई करेंगे क्योंकि ये अंदर सिलाई में जाएगा। फिर से हम टक्स बनाएंगे, अंदर इतना ही कपड़ा अंदर फोल्ड करेंगे, इसे बनाते जाएंगे। अब हमने एक तरफ सिलाई कर दी है, अब हम दूसरी तरफ सिलाई करेंगे। ये जो अंदर कपड़ा है फोल्डिंग का, हम इधर सिलाई करेंगे तो मशीन की जो सुई है वो हम इस कपड़े पे रखेंगे, फिर हम इधर से इसको मोड़ेंगे। इसको ऐसे मोड़ के फिर सिलाई करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, 1-1 टक्स को ये अंदर ठीक तरह से कपड़ा लेकर पहले सीधी सिलाई करेंगे जहाँ तक नीचे से कपड़ा आएगा, फिर हम ऐसे टर्न करेंगे। ऐसे करके हम पट्टी बनाएंगे। अब हम ऐसे करके ऐसे कपड़े को अंदर करके ऊपर से सीधी सिलाई थोड़ी सी करेंगे, नीचे का जो कपड़ा है वो मशीन की सुई के अंदर आ जाए, फिर हम ऐसे टर्न करके ऐसे सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम टक्स बनाते जाएंगे। अब हमने बॉर्डर बना दिया है, अब हम इसको अटैच करेंगे सीधी साइड रख के। हमने एक साइड अटैच कर दी है, अब हम दूसरी साइड अटैच करेंगे। इसे नीचे से कपड़ा रख के ऊपर सिलाई करेंगे। Thank you.
अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, इस सिलाई के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे और इस साइड भी। अब हमने बॉर्डर अटैच कर लिया है, अब हम मोहरे वाला डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमें पट्टी चाहिए, लगभग 2 इंच तक पट्टी चाहिए हमें, और इसे फोल्ड करके हम डिज़ाइन के लिए पट्टी बनाएंगे। इसको हम सिलाई करेंगे। हम पट्टी की दूसरी साइड भी सिलाई करेंगे। अब हमने पट्टी बना दी है डिज़ाइन के लिए, मोरी पे डिज़ाइन जाएगी, ज़िगज़ैग डिज़ाइन बनाएंगे, इसलिए इधर पट्टी को रख के हम सिलाई करते जाएंगे। आधे इंच के फासले पे हम इसको ऐसे करके थोड़ी सी सिलाई करके ज़िगज़ैग बनाते जाएंगे। हमने मोरी डिज़ाइन बना ली है, अब हम फोल्डिंग करेंगे। हमने फोल्डिंग के लिए एक इंच पट्टी ली है, इसको ऐसे रख के फोल्ड करेंगे। अब हमने फोल्डिंग वाली पट्टी लगा दी है, अब ऐसे फोल्ड करके इसको सिलाई करेंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। आज की हमारी फाइनल डिज़ाइन बन गई है। उम्मीद है अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।